अंबिकापुर शहर के रिंग रोड के खराब ड्रेनेज सिस्टम से रहवासी इलाकों में पानी भर जाने से परेशान लोगों के साथ महापौर समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मिशन चौक पर धरना दिया। महापौर अजय तिर्की का कहना है कि छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम को रिंग रोड के निर्माण के वक्त इस समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। धरने की खबर लगते ही प्रशासन की टीम ने खराब ड्रेनेज सिस्टम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मामले में एसडीएम का कहना है कि रिंग रोड के पास नाली निर्माण किया गया है, नालियों के केवल लेवल में असमानता होने की वजह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इन्होंने आपाधापी में पूरा रिंग रोड को और उसके ड्रेन को बिना उसका पानी का लेवल लिए और उसका ड्रेन नेचुरल ड्रेन को देखते बिना देखे इन्होंने बना दिया। और जैसे पानी गिरता है यहाँ की जनता इतनी परेशान होती है, पूरे घर में पानी भर जाता है। हम लोग ये कहना चाहते थे भाई पानी नाली जो बन रहा है पानी बहाने के लिए बन रहा है, न कि केवल नाम मात्र के लिए। उसका कहना था वो हम लोग नहीं जानते, हमारा एक माप है, उस माप के हिसाब से हम अपना ऊपर बनाएंगे। अभी पूरा घर में घुस जा रहा है पानी। तो स्थानीय गवर्नमेंट द्वारा, नगर निगम द्वारा जो बनाया गया नाली है, दोनों नाली के हाइट में मिसमैच होने से कुछ घरों में पानी घुसने की समस्या आई थी, जिसको लेकर सीजीआरडीसी को बुलाया गया है। सीजीआरडीसी के ठेकेदार उसमें काम कर रहे हैं, उसका निराकरण कर रहे हैं। पत्थलगांव